राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार में फिर से यात्रा पर निकलने पर भाजपा के लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके इबल इंजन की सरकार में वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी ओर तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया और अपना वादा निभाया। क्यों बीजेपी के नेता लोग क्यों परेशान हैं? बीजेपी के नेता लोग से पूछिए ना कि जब वो जो वादा किए थे, जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो आदरणीय नेता हमारे 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, जातिगत गणना करके 75% जो हमारे आदरणीय नेता ने आरक्षण दिए और भेजे केंद्र को नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए, क्या उनको उनका दायित्व तो नहीं बनता है जनता के प्रति कि जिसकी जितनी हिस्सेदार भागीदारी हो उसकी उतनी ही हिस्सेदारी देने का काम करें, जो बजट बने लाभुक तक पहुंचे। और इतना ही नहीं ना, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए हैं, ना विशेष पैकेज दिए हैं, और ना तो पटना यूनिवर्सिटी में आज राजनीति का पूरा अड्डा बन चुका है। हम कल अमन से मिलने गए थे, पूरी तरह से अमन बेचारा घायल है, मृत्यु सैया पर सोया हुआ है, और इन लोगों को सुझाई पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नेता। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर पटना साहिब के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नवमी के मौके पर माता रानी का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहां पर वह सांसद या नेता के नाते नहीं बल्कि माता के भक्त के रूप में आए हैं। वह हर नवरात्र में डाक बंगला आकर माता का दर्शन करते हैं। मैं घूमता हूँ, कल भी घूमा 12-13 घंटे, आज भी घूमूंगा। माँ दुर्गा सबको खूब आशीर्वाद दे, प्रदेश के लोगों को, देश को खूब आगे बढ़ाए, ऊर्जा दे, यशो दे ही। यही तो माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं, देश का यश बढ़े। डाबंगला चौराहा पर आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, यहाँ मैं वर्षों से आता हूँ। संजीव टोनी बाबू का बहुत ही अच्छा आयोजन होता है यहाँ। मैं एक सांसद या नेता के रूप में नहीं आता हूँ, यहाँ मैं दुर्गा माँ के भक्त के रूप में आता हूँ। तो उनके इस आयोजन के लिए उनका अभिनंदन माता रानी सब। पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी से होकर बहने वाला सिकरना नदी में पानी का स्तर कम होने के साथ तेजी से कटाव का क्रम शुरू हो गया है। सुगौली और बंजरिया प्रखंड इस कटाव से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बंजरिया प्रखंड में तो ऐसा लग रहा है कि सिकरना नदी सब कुछ अपने में समा लेने जा रही है। कई सड़कें कटाव से चपेट में है। बंजरिया से रामगढ़वा जाने वाली सड़क पर कटाव शुरू हो चुका है। कई फीट सड़क के कट जाने से दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री ने कहा कि सूचना देने के बाद भी बीजल संस्थान विभाग के अधिकारियों ने कटाव रोधी कार्य नहीं किया है। गया शहर के गांधी मैदान दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित होने वाले रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 60 फीट का रावण, 55 फीट का कुंभकरण और 50 फीट का मेघनाथ का पुतला तैयार किया गया है। रावण दहन कार्यक्रम विजयदशमी को सायं 5 बजे होना है। उसके लिए वाराणसी के डमरू बजाने वाले कलाकार बुलाए गए हैं। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार सर्वे ने कहा कि रावण वध कार्यक्रम स्थल पर बने मंच को दुरुस्त कराया गया जा रहा है। आतिशबाजी के बीच रावण दहन होगा। अगले दिन भारत मिलन कार्यक्रम होगा। चलिए बैठिए। और गांधी मैदान में चारों तरफ से अच्छा, हम लोगों को प्रशासन की तरफ से बहुत सुविधा दिया गया है, और उन लोगों की तरफ से पूरा बैरिकेटिंग फोर्स का इंतजाम सारा कुछ हुआ है, लाइटिंग का इंतजाम हुआ है, तो बहुत सपोर्ट मिला उन लोग से। और उन लोग के सपोर्ट से इतने बड़े कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें करीब करीब 60-70 हज़ार लोगों का उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे इस रावण वध को देखने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ आतिशबाजी कार्यक्रम भी शाम को होगा, हम लोग उसको अच्छे ढंग से करेंगे। और विशेष एक कार्यक्रम हम लोग बनारस से जो डमरू वाले हैं, इस बार
गुलाल के साथ वो लोग आ रहे हैं, डमरू के साथ गुलाल भी उड़ेगा और वो डमरू का कार्यक्रम हर एक रोड पर भी और मैदान में भी यहाँ पर होगा, वो एक विशेष आकर्षण का कारण रहेगा। और इसके साथ ही इस बार 50 फीट का रावण का 55 है, 50 फीट है कुंभकर्ण, हाँ 60 वही 50 60 और 55 तीन साइज में है, रावण 60 हो गए, 55 हो गए कुंभकर्ण और 50 हो गए मेघनाथ। तो ये हर एक साल बनते आया है और वो रावण वध का फिर कार्यक्रम होगा। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस वर्ष हम लोगों का रावण वध कार्यक्रम जो गांधी मैदान में संपन्न होना है वो दिन शनिवार को 12 अक्टूबर के दिन होगा और शोभा यात्रा हमारी 2:30 बजे दोपहर में स्टेशन रोड से निकलेगी और बाटा मोड़, टिकारी रोड, पत्थर, कोतवाली, छत्ता मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, काशीनाथ मोड़ होते हुए गांधी मैदान, जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को 5 बजे का समय दिया गया है। राजधानी में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री पूजा के साथ कई स्थानों पर भव्य कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। सेवा भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर और आचार्य सुदर्शन महाराज ने भी शिरकत की। राज्यपाल ने कन्याओं का पूजन करते हुए शिक्षा और शास्त्र विद्या पर जोर दिया। आचार्य सुदर्शन महाराज ने भी बच्चों की शिक्षा और संस्कारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रारंभ में ही शक्ति का पूजन करने का अवसर मिला और मुझे लगता है इसलिए मैंने जो अभी श्लोक कहा कि शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति का रूप हमको चाहिए, प्रारंभ में ही